अरे ये मटरों कहाँ रह गई? अरे ये बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, चलिए देखें। अरे ये क्या? ये तो एक कुत्ता है। पर इसने बिल्ली की आवाज क्यों निकाली? चलो बच्चों यहाँ आसपास देखें, हो सकता है बिल्ली यहीं आसपास हो। हाँ अरे ये कैसी जगह है? रोमांटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या दो? अरे ये घोड़ा गाय की तरह क्यों चीखा? आप लोग बहुत अच्छे वक्त पर आए हो, हम सभी एक संकट में हैं जिससे आप ही हमें बचा सकते हो। हम? वो कैसे? हमारे यहाँ सभी जानवर अपनी बोली भूल गए हैं, वह दूसरों की बोली बोल रहे हैं। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आपको बस मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है और फिर इन जानवरों की बोली पहले जैसे हो जाएगी। और अगर हम ऐसा न कर पाए तो आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। पहला सवाल, अगर कभी घोड़े ने गाय की तरह चीखा तो बताओ जरा घोड़े की आवाज़ असल में कैसी है? घोड़ा तो हिन हिन करता है, गाय तो मू मू करती है। बिल्कुल सही जवाब। अरे देखो देखो, हमारे दो दोस्तों को अपनी बोली याद आ गई। धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्तों। हाँ अब दूसरा सवाल, जिस कुत्ते के पीछे तुम आए क्यों देख के उसे तुम घबराए? हाँ क्योंकि उसकी बोली अलग थी। पर वो तो बिल्ली की बोली है, कुत्ते तो भौंकते हैं। फिर से धन्यवाद दोस्तों। ये रहा तीसरा सवाल, ढेंचू ढेंचू करके शेर महाराज हमारे हो गए मायूस, पहचान कर उनकी बोली चलो करे उन्हें खुश। ढेंचू ढेंचू तो गधे करते, शेर तो दहाड़ता है। अब तो आप इस कुत्ते के पीछे पीछे जाइए और आपको बाहर का रास्ता मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सबको हमारे दिल से धन्यवाद कहते हैं, आपने हमें संकट से बचा लिया। बाय बाय दोस्त। अरे गप्पी, सो गए थे क्या? हाँ हाँ गप्पी उठो, मटरू आती ही होगी चुटकी और टिंकू को लेकर। अरे ये सपना था क्या? कैसा सपना? दोस्तों आप तो जानते हो ना मैंने कौन सा सपना देखा, क्या आप भी सारे जानवरों के बोल जानते हो? अगर जानते हो तो उसके बारे में अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।